नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैनी एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीफोट एग्जाइम सोडियम इंजेक्शन के बारे में, बायोटेक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके क्या उपयोग हैं, कौन कौन से बीमारी को ये ठीक करता है, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इसकी वजह से, और कौन कौन से लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसको कौन से रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है, पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं सीफोट एग्जाइम सोडियम इंजेक्शन के क्या उपयोग हैं, कौन सी बीमारी को ये ठीक करता है। तो इसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। बैक्टीरिया की वजह से बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जैसे कि न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है, मेनिनजाइटिस के ट्रीटमेंट में किया जाता है। अब मेनिनजाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो हमारे ब्रेन की लेयर्स होती हैं उन ब्रेन की लेयर्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि गोनोरिया के ट्रीटमेंट में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो ये जो सीफोट एग्जाइम सोडियम इंजेक्शन है जिसमें सीफोट एग्जाइम जो कि एक एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक की क्लास की कैटेगरी के अंदर आती है। तो ये एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। अब इसके और भी उपयोग हैं, जैसे कि ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, यानी जो लंग्स में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अब ये काम कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है? तो ये जो सीफोट एग्जाइम सोडियम इंजेक्शन जिसमें सीफोट एग्जाइम एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन का सिंथेसिस होता है उसके सिंथेसिस को रोक देती है, ताकि जो बैक्टीरिया है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और जो अल्टीमेटली इस एंटीबायोटिक के इफेक्ट आने चाहिए वो इफेक्ट आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो एंटीबायोटिक है इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो जब भी इसको इंजेक्ट किया जाता है तो एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, जिस साइड पर इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ पर रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, और उन लोगों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए जिसको इस इंजेक्शन से एलर्जी हो। कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको किसी स्पेसिफिक दवाई से एलर्जी हो तो उसको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में और भी डिटेल से हम जानते हैं। ये इसके कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर सीफोट एग्जाम सोडियम प्रेजेंट होता है, ये एक एंटीबायोटिक है, और इसको कौन सी डिग्री पर प्रोटेक्ट करके रखना है, स्टोर करके रखना है, कौन से टेम्परेचर पर स्टोर करके रखना है, तो इसको बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर रखना है और लाइट से बचा के रखना है। और इसके बारे में और भी देखते हैं हम, इसको कौन से रूट से इंजेक्ट किया जाता है। तो इसको जो है इंट्रा मस्क्यूलर और इंट्रावीनस रूट से इंजेक्ट किया जाता है, यहाँ पर क्लियरली लिख रखा है फॉर IM और IV यूज़। इंट्रावीनस रूट से जो कि वेंस में लगता है, और IM मतलब जो मसल्स के अंदर इंजेक्शन लगता है। और दोस्तों ये जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन शेड्यूल H1 के अंदर आता है, यानी जो अलग अलग शेड्यूल बना रखे हैं, अलग अलग शेड्यूल के अंदर अलग अलग मेडिसिन को डाला गया है, तो ये शेड्यूल H1 की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये डेंजर हो सकता है अगर आप बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के इसका यूज़ करते हैं, तो इसलिए आपको कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ नहीं करनी चाहिए, एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और ये इंजेक्शन अगर आपको कोई भी इसमें डाउट लगे, डिफेक्ट लगे, या इसकी एक्सपायरी डेट हो, तो आप इस इंजेक्शन को ना लें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही ऐसे वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।